हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर कैमरा सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताएंगे कैमरा के कुछ फीचर और कैमरा के टिप्स एंड ट्रिक अपने कैसे यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। तो हमारे पास है वीवो V29e, जिसमें आपको कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। एक तो 64 मेगापिक्सल मिल जाता है, इसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाता है, साथ ही इसमें OIS का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, विद OIS के साथ आता है। और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए, सबसे पहले कैमरा सेटिंग करने के लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर कैमरा ओपन कर लेना है। जब कैमरा आप ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ से आपको अलग अलग मोड देखने को मिल जाते हैं, नाइट मोड, पेट्रोल, यहाँ आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाते हैं, और आपको यहाँ वीडियो मिल जाती है, यहाँ आपको माइक्रो मूवी देखने के लिए मिल जाती है। इस प्रकार से आपको, जिसमें आपके यहाँ बहुत सारे फिल्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग फिल्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, सारे आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से इसे आप यूज कर सकते हैं। मोर पर जाएंगे तो यहाँ आपके सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ आपको हाई रेजोल्यूशन मिल जाते हैं, स्लोमो वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, प्रोम ऑप्शन मिल जाता है, लाइव फोटो देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ से देख सकते हैं, डॉल व्यू भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें डॉल व्यू देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों आपके एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ से आप इसे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको इसे यहाँ से बैक कर देंगे, अब आपको नॉर्मल में आ जाता है। इसके बाद आपको ऊपर यहाँ से आपको AI ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस प्रकार से इसे आप सेट कर लेंगे ओके ओपन कैमरा करके। जो भी आपको गूगल लेंस बोलते हैं वो आपको देखने मिल जाते हैं यहाँ से गूगल लेंस। इसके बाद आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, जिसे आप ऑलवेज ऑन कर सकते हैं, ऑफ है या ऑटो, इसे हम सेट कर देते हैं ऑटो पे। SDR मोड मिल जाता है, जिसे आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर SDR ऑटो पे। यहाँ से आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले फोटो का रेशियो देखने को मिल जाता है, टाइमर चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर लेंगे, ग्रिड लाइन चाहिए तो इसे आप यहाँ से ऑन कर लेंगे, आपको ग्रिड लाइन देखने को मिल जाती है, लेबल भी चाहिए तो लेबल लाइन आपको देखने को मिल जाती है, स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ मिल जाते हैं इफेक्ट फॉर देखने को मिल जाते हैं, इफेक्ट आपको चाहिए तो वो इस प्रकार से आपसे यूज कर लेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसे ऑफ कर देंगे। वाटरमार्क चाहिए तो वो आपको देखने को मिल जाता है, वाटरमार्क पे आपको यहाँ से ऑफ है, इसे आप ऑन कर देंगे यहाँ से, नो वाटरमार्क, वाटरमार्क से टेक्स्ट वाटरमार्क ऑन कर देंगे। आपको फोन में मॉडल, टाइम, डेट, टाइम टाइम सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है वाटरमार्क में। तो यहाँ से फिर से मोर सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, मोर सेटिंग में जाने के बाद आपके बहुत सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं हमने शूटर साउंड ऑन कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो ऑन कर लेंगे, नहीं चाहिए तो इसे ऑफ कर देंगे। लोकेशन हमने यहाँ से ऑन कर दी है, माइक यहाँ मिल जाती है आपको, मिरर सेल्फी जो कि हमने ऑन कर रखी है। कीप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको कैमरा मोड मिल जाता है, जिसे ऑन कर सकते हैं, फोटो मोड, स्टेटस मिल जाते हैं जिसे ऑन कर सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड, स्टेटस जो हमने पहले से ऑन कर रखे हैं, प्रो मोड, स्टेटस यहाँ ऑन कर रखे हैं, SDR को हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको वाटरमार्क देखने के लिए मिल जाते हैं, वाटरमार्क हमने सारा सब कुछ सेट कर दिया, डेट एंड टाइम, कस्टमाइज लोकेशन, यहाँ से आपको कस्टमाइजेशन का नाम मिल जाता है, इस पर ऐड कर लेंगे फोटो किसके द्वारा शूट किया वो भी आप यहाँ से यूज कर लेंगे। यहाँ मिल जाती है आपको आई, ऑटो फोकस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप इसे ऑटो पे सेट कर देंगे, आई से आओ ओ को फोकस कर देंगे। यहाँ से आपको लेफ्ट या राइट राइट जो भी आपको आई चाहिए उसे आप सेट कर देंगे, तो इसे हमने ऑटो पे सेट कर दिया है। नीचे आ जाएंगे, फिनिश फोटो ऑपरेशन परमिट मिल जाती है, प्राइवेसी एंड स्टेटस मिल जाता है, नीचे आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, सारी कैमरा सेटिंग अगर आपको रीसेट करनी है तो यहाँ से आप इसे रीसेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस प्रकार से अपने फोन के अंदर कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारे फोन की कैमरा सेटिंग की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।